हमको भी है मां तेरा सहारा सारे हाथ ऊपर मीठी मीठी ताली और गाइएगा जरूर सारे लखों को है मां तेरा सहारा ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में मां आप आई हैं मेरी भी प्रार्थना है कि अपने भक्तों का बेड़ा पार करने वाली तू ही है सारे काम तेरी कृपा से ही हुए हैं और होते हैं और होते रहेंगे आज आप पधारी हैं ये भी आपकी इच्छा से हुआ कर दे अपने भक्तों का बेड़ा पार भवानी एक बार और कष्ट करें सारे हाथ ऊपर और प्रेम से बोलो दरबार की जय पंडित ये दरबार ऐसा है
जो भी एक बार सर को झुका देता है, क्योंकि बिगड़ा नसीब सवर जाता है, बिगड़ा नसीब सवर जाता है, ताला बंद किस्मत का भी खुल जाता है, हो जाता है अंधेरा उसकी जिंदगी से दूर, जो सर माँ के दर पे झुक जाता है। हम सारे रंजो गम से दूर हो गए हैं, हम सारे रंजो गम से दूर हो गए हैं माँ, तुमने अपनाया तो मशहूर हो गए हैं। हो गए, क्योंकि जो इसके सानिध्य में आ जाता है, जो इसके प्यार में आ जाता है, क्योंकि दिल में थोड़ी सी सांस रहने दे, तुझसे मिलने की प्यास रहने दे, जो मानते हैं दोनों दौलत दे दे, मुझे अपने चरणों के पास रहने दे। आइए माँ के चरणों से जुड़िए, माँ का आशीर्वाद लीजिए। आदरणीय श्री रघुवीर सिंह जी का माँ ने मुझसे बड़ा गवाया, क्योंकि माँ ही शक्ति देती है। आप में से कौन कौन गा सकते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं, जैसा भी गाएं, गाना सबको चाहिए। माँ का ध्यान लगाएं और कोशिश करें, मैं भी कोशिश करके यहां तक पहुंचा हूं। कौन कौन गा सकते हैं? देखिए गाना जैसा भी हो गाना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि सुर में हो या ताल में, माँ तो भाव देखती है। संगीत अपने देश में जब भी भक्ति की बात चली, मैंने पढ़ा ऐसा, तो गायकी का नाम आया, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों अवतारों महान गुरुओं ने जब भी ईश्वर से लौ लगाई, गा के लगाई, हमारा इतिहास है। और वैसे भी संगीत है अमृत धारा, हर कंठ ने इसे उचारा, सुर है माँ की देन, सुर है माँ का वरदान, सुर में धरती सुर में आसमान, सरहदों पर न थमता ये, भाषा में न बंधता ये, दवा है ये तन और मन की, जरूरत है ये हर एक जन की। यूं तो भक्ति के राह अनेक, पर संगीत की राह है विशेष, एकांत का भी यही है सहारा, संगीत है अमृत धारा। गाना जरूर चाहिए, सुर अगर सही लग जाए तो सीधी माँ के चरणों से लौ लग जाती है। वैसे इनकी कृपा हो, माँ शारदे की कृपा हो, तभी गाया जा सकता है, वरना कहते हैं एक कवि कि माँ किसी को सोच देती है, किसी को साज देती है। माँ किसी को सोच देती है, किसी को साज देती है, किसी को तख्त देती है, किसी को ताज देती है। यूं तो माँ के दर से बिन मांगे ही मिल जाता है लखा सिंह, पर माँ जिस पर बहुत खुश होती है उससे सुंदर आवाज होती है। गाइएगा जरूर। माँ हिमालय से ऊंची है माँ, विद्या का केंद्र है, इसलिए मैं कुछ ऐसी चॉइस वाले भजन आपको सुनाऊंगा, सुनिएगा ध्यान से। हिमालय से ऊंची है माँ,
خوش نصیب ہے اور ان کے در میں جو آیا اس کے تو کیا کہنے ایک جیکار لگا لیجئے اپنے مکھ کو پاؤن کر لیں سارے ہاتھ اوپر بابا جی ذرا ہاتھ کھڑے کیجئے گا ماں کے دربار میں ہاتھ اٹھانا ہی آگے کی ماں کو سمرپن کر دینا جیکار لگائیے کون سے جیکار لو گے جکارا شروعاتی کا ایک کے دربار کی جے جس گھر کے آنگن میں تیری چور دلالی ہے جس گھر کے آنگن میں تیری چور دلالی ہے ہر روز وہاں ہولی I'm
सुंदर रोहमाली का गोर चढ़े दरबार की जय। जहां भी तेरी जोत जग जाएगी उजल भाई बोलो है मां जहां भी तेरी जोत जग जाएगी तेरी मां छवि हमें फिर वही नजर आएगी। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जो मां की जोत का दीदार करते हैं। इसके बाद बड़ी पावन जगह हो जाती है वो जहां मां की जोत जग जाती है। बड़े खुशनसीब होते हैं जो मां की जोत का दीदार करते हैं। निर्धन को धन अंधे को आंख कोड़ी को काया हर शख्स को यहां से कुछ ना कुछ मिलता है। बस मांगने का नजरिया मांगने का ढंग मांगने का सलीका आना चाहिए। कौन कहता है मां कुछ नहीं देती कौन कहता है मां कुछ नहीं देती। अरे मांगने का सलीका हो तो क्या नहीं देती। एक जयकारा बोले वो सच्चे दरबार की क्योंकि तेरी शक्ति अटल शक्ति तू शक्तिवान है शक्ति। तेरी शक्ति अटल शक्ति तू शक्तिवान है शक्ति। तेरी शक्ति की क्या चर्चा करूं तू महान है शक्ति। आइए मां जयकारे से ही प्रसन्न हो जाती है। चल जयकारा लगाइए बोल सच्चे दरबार की जय। क्योंकि विश्वास भैया ने बोला विश्वास बड़ी चीज है। विश्वास नहीं दिल में तो यहाँ आने से क्या होगा। समझेगा नहीं बात तो सर हिलाने से क्या होगा। सबकी सुनती है चिल्लाने से क्या होगा। और दिल में नहीं भक्ति तो भजन कराने से क्या होगा। आइए एक जयकारा बोले बोल सच्चे दरबार की जय। दुर्गे मैया की जय। जयकारा शेरवाली का बोल सच्चे दरबार की जय। चूंकि विद्या का संस्थान है मेरी ये इच्छा है कि मैं हेलो माँ सरस्वती को जरूर याद करूं। मेरा ख्याल है कि मेरा विचार आप सबों को अच्छा लगा होगा। जरा हाथ उठा के समर्थन दें और एक जयकार सुर की देवी संगीत की देवी विद्या की देवी माँ शारदे की जयकार मेरे साथ लगाएं। बोलिए शारदे मैया की माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे Oh, yeah.
किसने किसने गाया सही बताइएगा। चलिए एक बार मुझे मुझे रिपीट कीजिए, पहले इधर से फिर उधर से, पहले गा लें। अच्छा भाई बोलिए, मां शारदे मां शारदे मां देखे भाई माई के शेरो उधर उधर माँ को देखो, माँ शारदे माँ शारदे शेर तो शेर ही होते हैं, पर नहीं ऐसी बात नहीं है, सारे सारे हाथों पर बाकी कोयनों का भी जवाब है। हाँ, माँ शारदे माँ शारदे क्योंकि इतना इतना दिया सरकार ने मुझको कि संभाला नहीं जाता, तेरे दर से कोई भी खाली ताला नहीं जाता, सहारे पे पलती है तेरे ये दुनिया, हमसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता। ये माँ चाहे देने वाली है तो दो हाथ है और लेने वालों के करोड़ों हाथ है, लेकिन देने वाले थक जाते हैं, माँ कभी नहीं थकती। आइए एक बार फिर जयकार बोलिए, वो सच्चे दरबार की जय, जयकारा और कुछ नहीं चाहिए माँ बाप, वो सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय। आइए चलिए फिर बात करो। आज की शाम माँ के चरणों से हम जुड़े हैं, और माँ चौथ रूप में ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल में पधारी है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल मौके का ये भजन है माँ का, गाइए पूरी मस्ती के साथ, माँ के चरणों से जुड़ जाए। इसमें कुछ गुजरात का रंग है, कुछ महाराष्ट्र का, कुछ मध्य प्रदेश का, क्योंकि माँ की पूजा विभिन्न रूपों में अपने अपने तरीकों से सारे संसार में होती है। माँ आज आई है, एक लाइन सबने गानी है। Yeah.
अगर ये भजन गुजरात में होता तो अभी सभी लोग खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये गरबे का भजन है और गरबे से मां बहुत प्रसन्न होती है। गरबा कीजिए या जाने दीजिए, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मां को बनाए खड़े होकर गरबा करें। पहले इनको गा लेने दो, गाइएगा। भैया जी मेरे घर में आई है, भैया जी मेरे घर में आई है, भैया जी मेरे घर में आई है। पूजा के थान सजाओ, पूजा के थान सजाओ, मिल करके मंगल गाओ, भैया जी मेरे घर।
बोलिए मेरे साथ मैया जी मेरे घर में आई है मैया जी मेरे घर में मैया जी मेरे घर में आई है